हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को अपने फ़ोन में एक एंटीवायरस यूज़ करने की ज़रूरत है? यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग हर दिन ऐप्स को डाउनलोड करते रहते हो और आपको शायद डर लगता होगा कि आपके फ़ोन में कहीं वायरस ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, क्या सच में फ़ोन में एंटीवायरस रखना ज़रूरत है? वेल फ्रेंड्स, अगर मैं सीधी बात में बोलूँ तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्रेंड्स कोई भी उसके कोड को देख सकता है और इस चीज़ का फ़ायदा कोई भी हैकर उठा सकता है और वो उस कोड की कमियां निकाल के एक वायरस बना सकता है और आपकी डेटा को चुरा भी सकता है। लेकिन यही बात गूगल के काम में आता है और गूगल को पता चल जाता है कि कोड में क्या गड़बड़ी है, तो लोग उसे रिपोर्ट कर देते हैं और बाद में गूगल उसे फिक्स कर देता है। और फ्रेंड्स, ये सारे मिस्टेक जो फिक्स होता है ना, ये आपके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के जो अपडेट होता है ना, उसमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि हर महीने एंड्रॉयड की जो सिक्योरिटीज है उसे पहले से ज़्यादा बेटर कर दिया जाता है और उसके अंदर जितने भी बग्स और प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको फिक्स कर देता है। और ये सारे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट के रूप में देखने को मिलता है और ये वाला जो अपडेट होता है ना, वो आपको गूगल हर महीने प्रोवाइड करता है। और फ्रेंड्स, यही एक रीज़न है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में लेटेस्ट अपडेट होगा तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होगा कि आपके फ़ोन में कोई वायरस आ जाए या फिर आपके फ़ोन से कोई डेटा लॉस हो। और ये मोबाइल कंपनीज जो मंथली सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट देता रहता है ना, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसकी वजह से मोबाइल काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है वायरस और दूसरे थ्रेट से। लेकिन दूसरे कंपनीज़ की मोबाइल फ़ोन्स क्या, क्योंकि फ्रेंड्स हर मोबाइल में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट देखने को नहीं मिलता, तो फ्रेंड्स इसके लिए गूगल ने अपने गूगल प्ले प्रोडक्ट बनाया। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे गूगल का खुद का बनाया हुआ एक एंटीवायरस समझ सकते हो जो आपके प्ले स्टोर में रहता है और ये आपके फ़ोन के ऐप्स को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता रहता है, यानी एक बिल्ट इन मैलवेयर प्रोटेक्शन एंड्रॉयड के लिए। और ये काम होता है गूगल के मशीन लर्निंग के ऊपर और ये ऑटोमेटिकली स्कैन करता है आपके डिवाइस को और जितने भी ऐप्स होता है उनको चेक करता रहता है और पता लगाता है कि ऐप हार्मफुल है या नहीं, और अगर कोई भी ऐप अगर आपके फ़ोन के अंदर हार्मफुल होगा तो आपको रिपोर्ट करेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, तो जो गूगल है ना, वो इसके अलावा एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है ना, उसमें ऐप्स को स्कैन करता रहता है और जितने भी हार्मफुल ऐप्स है ना, उनको प्ले स्टोर से रिमूव कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी वायरस वाले ऐप को गलती से डाउनलोड कर लिया है तो गूगल उसे प्ले स्टोर से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा और आपको एक नोटिफिकेशन भी दे देगा कि आपने एक गलत ऐप को डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स यही गूगल की बिल्ट इन एंटीवायरस का काम है और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यही बात है, अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो और आप अपने फ़ोन्स के ऐप्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट रखते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस है कि आपके फ़ोन में वायरस आ जाए और आपके फ़ोन से कोई डेटा चुरा ले। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अननोन सोर्सेज से ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो फ्रेंड्स ये चीज़ वहाँ पर नहीं चलती है, क्योंकि अननोन सोर्सेज से जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो कोई भी वायरस और मालवेयर आपके फ़ोन में ईजिली आ सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, गूगल रिकमेंड करता है कि आप गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से ही ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद आपके फ़ोन में वायरस आने की चांसेस ज़ीरो हो जाती है। और अगर आपके फ़ोन में वायरस कहीं से भी आ गया तो आपके फ़ोन में वार्निंग मैसेज भी दिखता है, और ऊपर से अगर बात करें तो एंड्रॉयड मार्शमेलो के बाद जो एंड्रॉयड का जो परमिशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और इसीलिए फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर ऐप है ना, वो आपसे परमिशन मांगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए, जैसे कि फ्रेंड्स उसे कॉल करना है या फिर आपकी लोकेशन को एक्सेस चाहिए। और इस चीज़ का फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हो कि आपके फ़ोन में कोई अननोन ऐप हो और वो आपकी फालतू की परमिशन को मांग रहा है, जैसे कि आपने कोई नया कैलकुलेटर इंस्टॉल किया और वो कैलकुलेटर आपकी लोकेशन मांग रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से भी बचा जा सकता है। अगर आप हर एक ऐप को सारे परमिशन नहीं दोगे ना, तो वो ऐप अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और अगर उसमें कोई वायरस वगैरह होगा ना, तो वो भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जो एंड्रॉयड क्यू आएगा ना, तो इसके अंदर एंड्रॉयड परमिशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाने वाला है। और फ्रेंड्स, जो कोई भी ऐप अगर आपके फ़ोन से कोई भी डेटा वगैरह को चुराए ना,
तो आपसे एंड्रॉयड की परमिशन ज़रूर मांगता है, तो इस चीज़ से भी पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल यही है कि आप अपने फ़ोन को अपडेटेड रखिए और आप अपने सारे ऐप्स को अपडेटेड रखिए और अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो ये सब करने के बाद आपके फ़ोन में वायरस आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि आपके फ़ोन में कोई भी एंटीवायरस रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने अपने फ़ोन में किसी एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखा है या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर किसी क्लीनर वगैरह को इंस्टॉल करके रखा है? तो फ्रेंड्स, ये बात आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।